नमस्कार, मेरा नाम है अनुपमा मौता और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों गुस्सा नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी का एक मेन स्ट्रेस हार्मोन है, इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। सो ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये हमारी बॉडी के फैट्स प्रोटीन्स के साथ में मिलके हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करने में हेल्प करता है। आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर लेवल, आपके बॉडी में ग्लूकोस लेवल, ये सब इसी हार्मोन के कारण रेगुलेटेड रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को सेव करने के लिए फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, लेकिन एक्चुअली एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये एन नंबर ऑफ डिजीजेस पैदा कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर। ये आपको हार्ट डिजीजेस दे सकता है, ये आपको एंजाइटी दे सकता है, ये आपको डिप्रेशन दे सकता है, आपकी मेमोरी, आपके कंसंट्रेशन पावर को ट्रबल कर सकता है, ये कम कर सकता है, और शायद आप वेट गेन करने लग जाएं, शायद आपको सोने में प्रॉब्लम होने लग जाए। तो अब आप समझ रहे हैं कि 1 मिनट का गुस्सा करके आप अपनी बॉडी को कितने डेंजर में डाल रहे हैं। आप तकरीबन जब 5 मिनट तक गुस्सा करते हो तब जितना कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना, उसको टैकल करने में हमारी बॉडी को 48 आवर्स लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं नॉर्मल होने में हमारी बॉडी को। जिसपे भी आपने गुस्सा किया, वो तो वो बात कह के निकल गया, वो तो वो काम करके निकल गया, उसने तो आपको गुस्सा दिला दिया, लेकिन आपने अपनी बॉडी को 2 दिन तकलीफ दे दी उस इंसान की खातिर जो शायद हमारी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ हमारी बॉडी का? वो इंसान जिस पे हमने गुस्सा किया, जिसने हमें गुस्सा दिलाया, या हम खुद? क्योंकि गुस्सा भले ही उस इंसान ने दिलाया, लेकिन गुस्सा करना है या नहीं करना है ये हमारी चॉइस हमेशा रहती है। तो इसलिए कभी भी गुस्सा आए तो गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि ये आपका शरीर है जो भोग रहा है। व्हाई डू यू डू दैट टू योरसेल्फ? आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अब आप गुस्सा करने से पहले 50 बार सोचेंगे कि आपके शरीर को वो तकलीफ आपको देनी चाहिए या नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसमें कमेंट करके मुझे बताइए कि और कैसे टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए और आप लोगों का कुछ फायदा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं और आप लाइक या कमेंट नहीं करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम उसे आगे नहीं बढ़ने देता है, उसे आगे रिकमेंड नहीं करता है दूसरे सब्सक्राइबर्स को या व्यूअर्स को। तो प्लीज, अगर आप लोगों को वाकई में ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले इस चैनल के बारे में, इन वीडियोस के बारे में, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी यूट्यूब क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम उसकी ऑडियंस होती है। सो थैंक यू सो वेरी मच इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड फॉर ब्लेसिंग्स दैट यू ऑल आर गिविंग टू मी। थैंक यू सो वेरी मच।